हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ दूध से बहुत ही स्वादिष्ट हलवाई स्टाइल मिठाई, और हम बनाने वाले हैं कलाकंद रेसिपी। और आप इसे एक बार बनाएंगे ना घर पे, तो आप भी सोचेंगे इसे कितना बनाना इजी और बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल हलवाई की तरह घर पर ही सिर्फ दूध से बनकर ये मिठाई तैयार होगी। और इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इंस्टेंट हम इसे बना के तैयार करेंगे और ये खाने में इतनी ज़्यादा दानेदार और लाजवाब होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 कप लिया है मिल्क पाउडर, और 1/3 कप हमने लिया है शुगर पाउडर, और 1 कप हमने इसमें डाला है 1 कप दूध। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया। गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे, और हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से आप ये देखिए, जिस तरीके से वीडियो में दिखा रहे, इस तरीके से आपको करछी को चलाना है, साइड साइड से किनारे से भी लेते हुए चलना है, जो जमता जा रहा है उसे निकालना है हमें। और इस तरीके से आप इसे लगातार चलाते हुए बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप देसी घी, और अगर आप इसे नाप में देखते हैं तो ये 4 चम्मच है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये देखिए एक अच्छा सा डो ये बन गया है, दानेदार के फॉर्म में ये आ गया है कलाकंद की तरह। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार इलायची पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से पैन को ये छोड़ने लग गया है, बस इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद। और एक हमने बॉक्स में कोई भी, जिसमें आप जमाना चाहते हैं मिठाई को, उसे हम ग्रीस कर लेंगे। और ये हमने बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इसमें इस मिक्सचर को डालेंगे, और डालने के बाद हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे। दबाते हुए इस तरीके से हमें सेट करना है, और ये देखिए हमने अच्छे से सेट कर लिया इसे। अब हम इसमें पिस्ता के कटे हुए पीस डालेंगे, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने पिस्ता के छोटे छोटे पीस करके डाल दिए इसमें, और इसे भी हम थोड़ा सा दबा देंगे। और अब हम इसे दबाने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो ये हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और अपने अनुसार पीस को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही जल्दी स्वादिष्ट सी मिठाई बनके तैयार हो गई है, जो बाज़ार में हमें बहुत ही महंगे दाम में मिलती है, उसी को हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी और दानेदार मिठाई बनके तैयार हुई है। कलाकंद हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आप मिठाई खाने का अगर शौक़ रखते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है, जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आपको ये मिठाई की रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नोटिफिकेशन के लिए जाके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूँगी तो उसकी अपडेट आपके पास पहुँचेगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय।